एडिलेड में मॉर्निंग दिखा देते हैं आपको। बस इनायत को स्कूल छोड़ने के लिए आया था और ये पार्क जो है वो मेरा फेवरेट है। देखो कितना बड़ा पार्क है, काफ़ी बार मैं इस पार्क में आ चुका हूँ। कितनी ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है, वाह वंडरफुल। अरे ये क्या मुझे मिला, आई थिंक ये मशरूम है, किसी के गिर गए हैं आई थिंक। वहाँ से शुरू है, देखो मशरूम्स। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। एक कमेंट जो आया है वो आपकी आंखों के सामने है। ये पूछ रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी और जो सीए अकाउंटेंसी इन शॉर्ट प्रोफेशन में है इंडिया में, तो उनका क्या स्कोप है। देखो जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ ताकि आप अपना डिसीज़न जो है वो अच्छे से ले सकें। जैसा कि अगर आपको नहीं पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैं PTE की कोचिंग देते हूँ, पर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। मेरा दूसरा चैनल भी है निखिल PTE टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम पूरे वर्ल्ड वाइड में कोचिंग देते हैं। तो गाइज होता क्या है, हमारे माइंड के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जब हमारी जॉब अच्छी होती है, अच्छा प्रोफेशन होता है। मैं PTE की कोचिंग देता हूँ तो यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया में बैठकर भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। CA हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, वो भी आना चाहते हैं। कई बार प्रायोरिटी होती है आपकी एक्चुअली में। ये किसी को देखो देखी मत आओ कि अगर वो जा रहा है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, फेसबुक के ऊपर अच्छी फोटोज डाल रहा है, घड़ियाँ लगा रहा है, महंगी महंगी जूते ले रहा है, बला बला बला। हमें किसी को देखकर यहाँ पर नहीं आना है, हमें ये डिसीज़न बहुत अच्छे से लेना है, बिकॉज ये आपका लाइफ चेंजिंग डिसीज़न हो सकता है, अच्छा हो बुरा हो गॉड नोस। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, यहाँ की जो सिचुएशन है अकाउंटेंट की, अगर मैं बात करूँ जो बच्चे यहाँ पर अकाउंटेंट की स्टडी में आ रहे हैं उनको पता होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि PR की लिस्ट में अकाउंटेंट तो रहता ही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो प्रोफेशन है बंद हो जाते हैं, ऑक्यूपेशंस जो हैं बंद हो जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया अभी तक कि अकाउंटेंसी का जो ऑक्यूपेशन है वो बंद हो गया हो। मतलब ये टेंशन नहीं है कि यहाँ पर PR नहीं मिलेगी, PR ज़रूर मिलेगी, लेकिन टेंशन क्या है, यहाँ पर अगर आप स्टडी करते हो अकाउंटेंसी की तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है। एक्चुअली में कट ऑफ ज़्यादा जाने का मतलब ये है कि बंदे बहुत कर रहे हैं अकाउंटेंसी, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट PR लगाते हो, अपने एक एजेंट से बात करिए, अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए, वो आपको ज़्यादा जानकारी दे सकता है। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी काम खोलना है, कोई भी प्रोफेशनल काम खोलना है, जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं इंडिया में CA हूँ, या तो आपकी अपनी फर्म हो सकती है या CSO या कुछ भी हो, है ना, या तो आपकी अपनी फर्म होगी या तो आप किसी के अंडर काम करते होगे, तो यहाँ पर कुछ भी नया करने के लिए, नए प्रोफेशन में अगर काम करना है तो आपको उसमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन जरूर यहाँ पर आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी CA की स्टडी या अकाउंटेंसी की स्टडी कितनी यहाँ पर मैच होती है। कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें क्या होता है कि असेसमेंट कर लेते हैं कि इतने आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर, तब आप यहाँ पर अपना ओपन कर सकते हो। रही बात अकाउंटेंसी वालों की, हर एक जॉब में ना दिक्कत आती है स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो। अगर तो आप एडिलेड में आ रहे हो या छोटी सिटीज़ में आ रहे हो, वहाँ पर आपको क्या होगा कि थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अपना करियर बनाने में, क्योंकि छोटा शहर है और उस हिसाब से आपको जॉब्स वगैरह भी मिलेंगी। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आते हैं और यहाँ पर जॉब करना लग जाते हैं। आपको वो सर्च करना पड़ेगा। मेन मुद्दा ये है कि ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आप वहाँ पर बैठे हो CA हो
तो वहां पर ज्यादा पैसा कमाते हो या ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पैसा है, वो आपकी प्रायोरिटी है कि आपने क्या करना है। यहाँ पर आ चुके हो तो आपको छोटे बड़े काम भी करने पड़ सकते हैं शुरू में। ऑस्ट्रेलिया उनके लिए बना है जो कंफर्ट जोन को छोड़कर आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट में अपने आप की सोच को बदलो। कई बंदे ये कहते हैं कि यार वहां पर जाकर तो हमने सिर्फ फ्लशे ही साफ करनी है, छोड़ो, मतलब ऐसा कहते हैं। देखो भाई, जो फ्लशे साफ करते हैं ना, वही आके जाके कुछ ना कुछ बनते हैं। स्टार्टिंग में इंडिया की बात करूं, मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी थी ना, 7,000 इंडियन रुपीज से स्टार्ट करी थी पर मंथ, 9 to 5 जॉब। मैं जब मास्टर करके निकला और उसके बाद मुझे कंपनी में जॉब मिल गई चंडीगढ़ में, मेरी ट्रेनिंग भी फ्री हो गई थी क्योंकि मैंने पेपर पास कर लिए थे जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पर थोड़े बहुत पैसे कमाए, मेरी ट्रेनिंग फ्री हो गई थी। मैं चंडीगढ़ में था लेकिन मैं अपने शहर में आना चाहता था, चंडीगढ़ मैं कभी बाहर नहीं रहा था। तो जब मैंने अपनी जॉब को स्विच करने की कोशिश की और मुझे मेरे शहर में एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में कोचिंग के लिए मुझे अपॉइंट किया गया, सिलेक्शन हो गई, और उसने मुझे ऑफ़र किया सिर्फ 7,000। ये बात है 2012-13 की, आज से 10 साल पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 7,000 से सिर्फ। और भगवान की कृपा से आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसी लाइन में हैं, एजुकेशन लाइन में हैं, तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। अच्छे खासे पैसे मेरे इंडिया में भी बन रहे थे, ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते थे पूरे वर्ल्ड वाइड में। ऑस्ट्रेलिया ना बैठे हुए भी इंडिया में भी हमारे को पैसे आ रहे थे, ऑस्ट्रेलियन मनी में। पर फिर भी मैंने ये डिसीज़न इसलिए लिया क्योंकि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, एक्सप्लोर करने की, उसको ज़रूर करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से आज परमानेंट रेजिडेंट हैं हम यहाँ पर, मैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स। तो अपॉर्चुनिटी तो आपको इंडिया में भी मिल सकती है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी बाहर ज़्यादा मिल सकती है, मैं ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ, मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ करना चाहता हूँ, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया बना है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूँगा, मैं यहाँ पर सेट हूँ, तो आराम से वहाँ पर रहो, क्यों यहाँ पर आकर काम ख़राब करना है अपना। मतलब अपनी प्रायोरिटी है, ये आपकी खुद की प्रायोरिटी है। पैसे बनेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आपको कितना मर्जी लग सकता है वो नहीं पता, डिपेंड करता है। अगर आप लगे रहोगे तो ज़रूर आपको जल्दी अपने मुकाम तक पहुंचोगे, ठीक है। तो ये वीडियो थी आपको बताने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं हर एक फील्ड में, चाहे वो स्टूडेंट आया हो, चाहे वो डायरेक्ट PR लेके आया हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद ढूंढनी पड़ेंगी। कहते हैं रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। बाकी अगर आपके माइंड में किसी और चीज़ को लेकर कोई क्वेश्चन आता है, नीचे कमेंट कर दीजिए। कॉमन क्वेश्चन होगा तो हम उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। मेरी कोई कंसल्टेंसी नहीं है, मैं तो जस्ट आपको एक यहाँ की पिक्चर बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है, ताकि आपको यहाँ पर आकर मुश्किल ना हो, डिसीज़न लेने में मुश्किल ना हो। मैदान में उतरोगे तभी पता लगेगा कि होता क्या है। मेरा तो सीधा हिसाब है, लाइन में नहीं लगोगे नंबर कैसे आएगा, लाइन में लगोगे नंबर ज़रूर आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक करो लाइक, करो शेयर, करो सब्सक्राइब, करो बेस्ट ऑफ लक, और अपने कमेंट जरूर नीचे कमेंट करना भाई, हमें पता लगे कहाँ कहाँ वीडियो से कहाँ कहाँ मेरी वीडियो चल रही है। और यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, मिलते हैं, हमारे को अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लीजिए। बाय बाय।